करण, स्वागत है आपका। हेलो, नमस्ते सर। जी नमस्कार। मैं वकील साहब से बात होती है। नमस्ते बात हो रही है भाई, आपका स्वागत। जय हिंद। किम साहब। जय हिंद। हकीम साहब, मेरा प्रश्न था कि सर मेरा एज 21 साल है और मैं जिम भी करता हूँ, तो ऐसा कोई नुस्खा जिससे वजन बढ़े और पावर, स्टेमिना और स्ट्रेंथ बढ़े, इसके लिए कोई नुस्खा बता दीजिए। मैं बताऊं कि मैं भी बहुत एक्सरसाइज करता था, और मैं जब जवान था तो मेरी गर्दन भी घूमने में बड़ी परेशान थी। ये ऐसे थे मेरे, ऐसे पहलवानों की तरह मैं कुश्ती उश्ती नहीं लड़ता था। वैसे किसी लड़ाई हो गई तो खूब मारते थे, तो मैं डीप मारता था, और ऐसे जो मारते ना हाथ से, और बस ये उठक बैठक जिसे कहते हैं वो करता था। लेकिन सेहत बनती चली जाती है। जो मैं करता था वो बता देता हूँ। चना एक मुट्ठी में जितना आता वो एक गिलास पानी में डाल दिया रात को, सुबह को पूरा गिलास भर जाता था। वो खाता था, किशमिश खाता था। ये उस वक्त का, अब समझ लीजिए जब मैं 16-17 साल का हुआ जब की बात है, तो कोई और चीज़ नहीं। और मालिश करता था, लंगोट बांध के करना जो भी आप करें, ये दुनिया का अच्छा नुस्खा है। लेकिन आपकी सेहत बनेगी धीरे धीरे, जैसे ये स्टेरॉइड और ये सब केमिकल की चीज़ें खा के ऐसा नहीं होगा, लेकिन जैसा भी बनेगा वो कायम रहने वाला बनेगा। ये नहीं कि आपने वो स्टेरॉइड छोड़े आप फूल गए। और स्टेरॉइड नुकसान देते हैं, हड्डियों को बिल्कुल फुजला कर देते हैं, किडनी का नाश कर देते हैं, और आगे जाके ऐसे स्टेरॉइड ज़्यादा खाने वाले को बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। तो ये तो देसी नुस्खा है। एक और चीज़ बताता हूँ, गौंद मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम दूध में मिलाकर लिया करें। एक्सरसाइज करते हैं तो 2 ग्राम भी ले सकते हैं, नहीं तो आम आदमी के लिए ये 1 ग्राम काफ़ी है। देसी एक्सरसाइज कीजिए और ज़्यादा, और वो भी कीजिए जो आप करते हैं, वेट लिफ्टिंग ये वो। लेकिन हम कभी वेट लिफ्टिंग नहीं करते थे, हम तो डंड और बैठक, गाँवों में कहते हैं डंड मारना और बैठक मारना। बैठक जो है वो उठक बैठक, ऊपर नीचे बैठते हैं, और डंड जो है आप जानते ही हैं, ये असली एक्सरसाइज। इससे ये ऐसा शेप बनता है, अफगानी शेप बनता है जिस्म का। सबसे ज़्यादा शेप जो मजबूत होता है वो अफगानियों का होता है। तो आप ये करें, फायदा उठाएं। जी, जोड़ों का दर्द, पैरों में दर्द, डॉक्टर ने कह दिया है कि आप लोग घुटने बदलवा दीजिए, आपकी ग्रीस खत्म हो गई है पैरों की, या फिर आपकी जो कटोरियां होती हैं वो बदलवा दीजिए। तो व्यक्ति क्या है, एक हद तक दर्द बर्दाश्त कर सकता है, उसके बाद उसके पास जब उपचार नहीं बचता है, यानी कि दवाइयां खा खा के वो भी परेशान हो जाता है, ऑपरेशन की तरफ निकल चलता है। लेकिन ऑपरेशन वाले मरीज भी हमने ऐसे देखे हैं कि उनका दर्द खत्म नहीं होता है, वो तो वैसे के वैसे ही रहते हैं। एक तो ये दर्द से हम मुक्ति कैसे पा सकते हैं, और इतनी ज़्यादा परेशानी कब आ जाती है, क्योंकि हम पहले से तो दवाई ले रहे हैं। तो देखिए, ये दर्द तो होता ही है, आता ही है, और इसका निवारण भी है। और हम दरअसल ऐसे हो गए हैं कि मैं खुद भी, कि मुझे कोई दर्द हुआ तो सबसे पहले मेरे सर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, तो मैं यूनानी इलाज नहीं शुरू कर दूंगा। हालांकि मैं यूनानी का आदमी हूँ, मैं सबसे पहले अपनी उस वक्त की तकलीफ को ख़त्म करूँगा। ये आदमी का मिजाज है। अब मेरा ज़ाती मामला ये है कि अगर ये दर्द 1 दिन हुआ, चलो दवा खा ली, 2 दिन हुआ खा ली, अगर ये फिर 7 दिन से ज़्यादा होगा तो फिर मैं यकीनन यूनानी दवा लूँगा। ऐसा ही सबको करना चाहिए। दर्द की फौरी तौर पर फायदे की दवा सिर्फ एलोपैथ, और मुस्तकिल तौर पर फायदे की दवा सिर्फ यूनानी। ये मेरा अनुभव है, आप माने तो बहुत बेहतर है। अब दर्द
भी इसी तरह के होते हैं, दो तरह के, एक वक्ती तौर पर आया चला गया, दवा नहीं भी लो तो भी चला जाता है, ये भी है। अगर कोई भी दर्द 7 दिन से ज़्यादा, 15 दिन से ज़्यादा आपको है, तो फिर आप यूनानी दवा साथ में लेने लगे। और यूनानी में देखिए, किसी की बुराई नहीं करूँगा, प्रोफेशनल्स भी होते हैं और हॉस्पिटल्स भी होते हैं, टारगेट्स भी होते हैं। आजकल सारे हॉस्पिटल और सब कुछ टारगेट पे चलता है, चाहे कोई भी शोभा हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, सबका एक टारगेट होता है। वो टारगेट पूरा करने के लिए कहीं आपका ऑपरेशन तो नहीं हो रहा, ये समझना आपकी बात है, या आपका बीमा है तो आपको पैसे नहीं देने तो आपका इसलिए तो ऑपरेशन नहीं करा रहे। मेरा मशवरा ये है कि उससे पहले यूनानी कोशिश कर लिया करें। और यूनानी एक ऐसी दवा है या ऐसा रॉ मटेरियल है, ये प्राकृतिक है, इससे नुकसान तो कभी होता नहीं। तो ऑपरेशन से पहले 2-4 महीने यूनानी ज़रूर कोशिश किया करें, अगर अपनी सुरक्षा चाहते हैं। और देखिए, यूनानी का एक शब्द मैं आपको बता रहा हूँ, एक पंक्ति, कि भगवान ने कोई भी रोग ऐसा धरती पर नहीं भेजा जिसकी दवा उस रोग के भेजने से पहले धरती पर ना भेज दी हो। बाकी आप कुछ समझदार हैं, मेरे मशवरे अगर आपके किसी काम आ सकें तो मैं बहुत खुश नसीब रहूँगा। बिल्कुल। पंजाब से लता जी, स्वागत है आपका। भाई साहब, ये सवाल पूछना चाहती हूँ मैं, जो अपन लहसुन वाला नुस्खा बनाते हैं, लहसुन अदरक, इसमें आप हम 2 हिस्से जैतून का सिरका डाल सकते हैं नींबू की बजाय? बहुत ही अच्छा सवाल किया, वाकई आप डाल सकते हैं 2 हिस्से नुस्खा। दरअसल मैं इसलिए नहीं बताता कि फिर लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, ये बात मैंने महसूस की थी, लेकिन आज आपके होठों ने ये बात बोल दी, आप जरूर डाल सकते हैं। और कोई सवाल हो तो बताइए। हाँ भाई, एक मैं ये पूछना चाहती हूँ, कल एक लेडीज ने पूछा था कि मेरी एक जाड़ में दांत में गर्म लगता है और एक जाड़ में ठंडा लगता है। आपने बताया था कि नस दब जाती है, वो कोई और होती है, नस जी कोई और होती है, उसने यही सवाल किया था कि एक में ठंडा लगता है और एक में गर्म। जैसे दाढ़ में अगर कभी भी एहसास होता है ये, तो वो ठंडा भी लगता है गर्म भी लगता है, लेकिन वो मुझे याद आ गया, वो टांग में था, उसकी दोनों तरफ की नसें दबी हुई थी उनकी, और ये होता है। दरअसल इसकी ना 4-5 कैफियत है, जो नर्व हमारे कमर में दब जाती है तो उसकी 4 या 5 कैफियत होती है। देखिए, एक तो जलन होती है, एक सुन्न होता है, सुन में ठंडा भी लगता है, नस बहुत बुरी तरह दबी हो तो या तो ठंडा सा लगेगी बॉडी उस तरफ की, या सुन लगेगी, ये 2 कैफियत। एक खिंचाव होता है, दर्द होता है, और जलन, जलन तो वही गर्म हो गया। तो कुछ इस प्रकार से उनकी नसें कमर में डिस्क में दबी हुई थी, कि वो एक बुरी तरह दबी हुई थी और एक कुछ कम दबी हुई थी, लेकिन दबी भी दोनों काफ़ी थी। और ये नुस्खा उनको दे सकते हैं ऐसे मरीज को, कौन सिया वाला, और काफ़ी वक्त लगता है, ऐसे मरीज़ को 1 साल भी लग जाता है, और बहुत एहतियात, और वो सब एहतियात जो मैं बताता हूँ, वेस्टर्न टॉयलेट और वज़न ना उठाना और दुपट्टा जो लपेट के कमर के नीचे बताता हूँ, वो सब करने से, लेकिन टाइम बहुत लगता है, इसका भी ठीक होना मुमकिन है। अक्सर लोग ऑपरेशन भी करा लेते हैं, ऑपरेशन के बाद भी परेशानी रहती है, तो फिर दवा खाएंगे तो और ज़्यादा तेज़ी से फ़ायदा मुमकिन है।